एक सबसे बड़ी बात जो कि आप लोगों को बताना चाहता हूं, कल के दिन हमने लाइव में ऑलरेडी देख लिया है, आज के एपिसोड में आएगा कि कैसे करणवीर आउट हो गए, कैसे पायल को ओके ओके वोट मिले और कैसे जो है अली को सबसे ज्यादा वोट मिले। अब दोस्तों इसके पीछे का लॉजिक और इसके पीछे की बात इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अली मर्चेंट दोस्तों कल के दिन 70,000 से ज्यादा वोट्स पाते हुए नजर आए और हम सब हैरान रह गए कि भैया ये क्या है, ये क्या घुमा चक्कर है यहाँ पर, ना पायल को ना केवी को। चलो केवी जो कि इतने बड़े एक्टर हैं उनको तो मिलना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि ये खुद डिकोड करते हुए नजर आई पायल, आजमा, शिवा। अब सिर्फ तीन लोग ये बचे हैं, मतलब कि अगर देखा जाए इस ग्रुप में, अदरवाइज बाकी के सब तो मुनव्वर के चरणों की धूल बन चुके हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये तीनों बातचीत करते हुए, लाइव में बातचीत करते हुए बात कहते हैं कि एक्चुअल में अली को इतने ज्यादा वोट्स क्यों मिले हैं। ये मिले हैं मुनंजलि फैंस की वजह से। हम सबको पता है कि अली का अच्छा रिश्ता है टुवर्ड्स मुनव्वर एज वेल एज अंजलि। अंजलि को वो अपने बहन भी मानते हैं। तो दोस्तों ये एक बड़ी बात है कि मुनंजलि फैंस जो हैं उन्होंने अली को मैक्सिमम वोट्स किए और मैक्सिमम वोट्स इतने कर दिए कि भैया बंदा जो है एक दिन में ही ठप से आगे निकल गया। वहीं कुछ थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कुछ ऐसी हैं, मेरे तो अंदर से ये आवाज़ आ रही है कि एक्चुअल में केवी भैया कंटेंट नहीं दे रहे थे इसलिए उनको निकाल दिया गया। अदरवाइज अगर वोटिंग की बात करें तो केवी भैया फार अलग है एज कम्पेयर टू अली से, जो कि अभी इस हफ्ते कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट मुनव्वर का वो बकरा बन रखा है। खैर आप लोगों को क्या है कहना, आपको क्या लगता है, क्या अली के साथ ऐसा ही हुआ है जैसा पायल कहती हैं, जो कि अभी जस्ट रिसेंटली बोला है उन्होंने लाइव में, मुझे बताएं। बने रहें चैनल के साथ। बाय बाय।